आज बड़ा सुंदर अग्नि का उन्होंने गुरु क्यों बनाया है उसके ऊपर हम और आप लोग चिंतन करेंगे। तो यहां अग्नि से उन्होंने शिक्षा क्या ली है, जरा विचार करिए। अग्नि से उन्होंने शिक्षा ली है कि तेजस्वी तपसादीप्तो, तेजस्वी तपसादीप्तो दुधर्षो दर्भाजन सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। अर्थात अग्नि से मैंने यदि जो है शिक्षा ली है, दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि अग्नि क्या है, बोले जैसे अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय स्वरूप में होती है, अग्नि जैसे तेजस्वी और ज्योतिर्मय स्वरूप में होती है, जैसे उसे कोई भी अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास में संग्रह परिग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं है, अग्नि के पास में कोई पात्र नहीं है रखने के, वह सब कुछ अपने पेट में रख लेती है और जैसे सब कुछ खा पी लेने के बाद में भी वह विभिन्न वस्तुओं के दोषों में लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दैदीप्यमान हो, इंद्रियों से अपराभूत हो, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष ना आने दे। जरा विचार कीजिए, अग्नि का स्वरूप देखिए, तेजस्वी है, साधक तेजस्वी हो उसका जो तेज हो वो अच्छा, मैं तेज कहां से प्राप्त होगा, वह तेज हमको प्राप्त होता है तपस्या से, वह तेज हमको प्राप्त होता है साधना से, वह तेज हमको प्राप्त होता है भगवान की कठिन आराधना से। भगवान के तप में जब हम लिप्त होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तेज का प्राकट्य होता है, प्रस्फुटित होता है तेज, और जब वह तेज प्रस्फुटित होता है तो स्थिति क्या बनती है कि हमारा शरीर दैदीप्यमान हो जाता है। आप जरा सा थोड़ा सा कोई जो है मेहनत का कार्य करें, पसीना टपकने लगेगा, ये यहां पर लालिमा छा जाएगी, गालों पर चेहरा लाल पड़ जाए, कई लोगों के हमने देखा अक्सर करके, कई बार हमने लोगों का दर्शन किया, जरा सा वह मेहनत का कार्य कर लेते तो शरीर के ऊपर लाल पड़ जाता है चेहरा, जरा विचार कर। यह तेज जब हम भजन की साधना में लिप्त होंगे, जब हम शरीर को तपाएंगे, तप की साधना में लिप्त होंगे तो हमारा शरीर तेजस्वी होगा, तेज से दैदीप्यमान होगा, और जब दैदीप्यमान होगा तो बोले जैसे अग्नि तेज अग्नि तेजस्वी होता है, उसके तेज को कोई दबा नहीं पा, ज्योतिर्मय स्वरूप होता, एक हो ज्योतिर्मय स्वरूप अर्थात ज्ञान का पुंज जिसमें प्रकट हो, जिसके सामने कोई भी व्यक्ति बोल ना पावे, ऐसा साधक हो जाए, अग्नि से अग्नि के समक्ष कोई वो देख नहीं पा, बैठ नहीं पाता। तो यहां बड़ा सुंदर वो कहते हैं, बोले ज्योतिर्मय स्वरूप जैसे उसको अपने कोई तेज से दबा नहीं सकता अग्नि को, ऐसे ही साधक जब अपने साधना में लिप्त रहे और अपनी साधना को वो सब परम सर्वोत्कर्ष तक ले करके जाए, जहां उसकी साधना को उस साधना से उत्पन्न हुए तेज को कोई दबा ना पाए, और जैसे वह सब कुछ उसके पास में कोई पात्र नहीं है अग्नि के पास, और अग्नि के पास में जब कोई पात्र नहीं है तो क्या स्थिति, आप जो कुछ उसमें सब स्वाहा, सब स्वाहा है, वह संग्रह नहीं करती, अग्नि का स्वरूप संग्रह का नहीं है, और जब अग्नि का स्वरूप संग्रह का नहीं है तो स्थिति क्या है, बोले उसी प्रकार से साधक को भी वह सब भोगों को स्वीकारे, विषयों को स्वीकारे, लेकिन वह उनमें लिप्त ना रहे, करते हुए भी वह उनमें लिप्त ना रहे,
अपने मन को और इंद्रियों को, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पंच महाकोश, पांच प्रकृति, इन प्रकार के अपनी इंद्रियों, समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने वश में रखे, और किसी का दोष अपने में ना आने दे। क्वचित छन्ना क्वचित स्पष्ट, बड़ा सुंदर कहा गया कि क्वचित छन्ना क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छता भुंते सर्वत्र दात्रीणा दहन प्रवृत्त राशुव, दहन प्रगुत्तराशु। बड़ा सुंदर का बोले, जैसे अग्नि कहीं अप्रकट रहती है तो कहीं प्रकट स्वरूप में रहती है। अग्नि, अग्नि का स्वरूप आप देखिए, अग्नि सब में विराजमान विद्यमान है, सब में अग्नि तत्व है, लेकिन कहीं पर यह प्रकट स्वरूप में है तो कहीं पर अप्रकट स्वरूप में है अग्नि। जैसे लकड़ी, अक्सर करके आपको लगता है कि लकड़ी में अग्नि नहीं है, लेकिन जब हम दो लकड़ियों को, दो संविधाओं को जब हम रगड़ते हैं तो अग्नि मंथन भी जब होता है तो अग्नि मंथन में से भी वह है, लकड़ी में से ही प्रकट होती है अग्नि। और कहीं प्रकट है तो वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं पर प्रकट रहे, वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाए जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। अग्नि कईयों बार जब प्रकट होता है तो हम उसका आराधन करते हैं, हम उसका वंदन करते हैं, हम उसके समक्ष बैठ करके हम उपासना करते हैं। अग्नि का सर्वोच्च धर्म वह यही है कि वह हमारे हर हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का, जो हमारे कर्म जितने भी हम संपादित करते हैं, उन सब कर्मों का साक्ष्य या साक्षी अगर कोई है तो वह अग्निदेव रहते हैं, वह अग्नि ही रहता है। वह अग्नि के समान इच्छा रूप हवन करने वाले अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न को ग्रहण करता है। अग्नि की स्थिति क्या, आप अग्नि में कुछ भी डालिए, अन्न डालिए, घी डालिए, यहां तक कि यह भी है जैसे अग्नि में लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी आड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां में रह करके भी उनके समान ही सीधा टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई, वास्तव में वे वैसी होती नहीं है। अग्नि में जब वे लकड़ियों को डालें, जब स्वाहा हो जाए तो क्या स्थिति होती है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी सीधी अगर हम सीधी, कई बार हो जाता है यज्ञ मंडप इत्यादि की, तो उसी प्रकार से वैसे ही यह सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण स्वरूप जगत में व्याप्त होने के कारण, वस्तुओं के नाम रूप में कोई संबंध ना होने के कारण उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। यह अग्नि का स्वरूप है। अग्नि से आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना सीखिए। यहां इतना सुंदर भाव दिया गया है कि जैसे अग्नि हर जगह कहीं पर गुप्त है, अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, तो कहीं पर प्रकट रूप में विराजमान और विद्यमान है। उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि वह साधक अपने जीवन की साधना को कहीं गुप्त रूप से तो कहीं प्रकट रूप से उस साधना की तेजस्विता को, वह तप के उस तेज से दैदीप्यमान होते हुए साधना को वह अपने अंदर धारण करे, ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करे, और उस साधना के बल पर वह ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के वंदन में, ईश्वर की साधना में लगा रहे।